दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शस्त्र और आर्मी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे कि दोनों फिल्में से किसने बाजी मारी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं शस्त्र फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। शस्त्र सन 1996 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अंजलि जाथर, डैनी डेंजोंगपा, दिनेश हिंगू, अनुपम खेर, कुनिका, मुकेश ऋषि, फरीदा जलाल, अवतार गिल, मुश्ताक खान, गिविन पैकार्ड, जैक गौड़, अली असगर और मोहन जोशी नजर आए थे। इस फिल्म को संजय खन्ना ने डायरेक्ट किया था। ऐसे प्रोड्यूस किया था नादिर ईरानी और नदीम ईरानी ने और इस फिल्म की कहानी रूमी जाफरी ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स इम्तियाज पटेल और यूनुस सजवाल ने लिखे थे। इस फिल्म के म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव ने दिए थे और इसके लिरिक्स श्याम राज ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 185 स्क्रीन के साथ 4 अक्टूबर सन 1996 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 3,75,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 4,80,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 58,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 2,65,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8,40,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.7 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1996 की 26वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं आर्मी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आर्मी सन 1996 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में श्रीदेवी, शाहरुख खान, डैनी डेंजोंगपा, सुदेश बेरी, मोनिश बैल, रोनित रॉय, रवि किशन, हरीश कुमार, आसिफ शेख, अशोक सरफ, किरण कुमार और टीनू आनंद नजर आए थे। इस फिल्म को राम शेट्टी ने डायरेक्ट किया था। इसे प्रोड्यूस किया था मुकुल आनंद और नितिन मनमोहन ने और इस फिल्म की कहानी संजीव दुग्गल ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स अनीस बज्मी ने लिखे थे। इस फिल्म के म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 190 स्क्रीन्स के साथ 28 जून सन 1996 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 4 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 6,58,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 63,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 3 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 11,34,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1996 की 19वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से श्रीदेवी और शाहरुख खान की फिल्म आर्मी ने बाजी मारी थी। वैसे दोस्तों, आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।